आधुनिक युग में हवे लोको फरीथी पोताना धर्म प्रत्ये आकर्षित थई रह्या छे। वेस्टर्न कल्चरे अपना समाज अने युवाओनी मानसिकता में जे परिवर्तन कर्यु ते दिशा में हाल मंदिर संचालको काम करी रह्या छे। जेने ध्याने राखी शिमला में आवेला एक जैन मंदिरना संचालके भक्तों ने टूंका के फाटेला वस्त्रों पहेरीने मंदिर में न प्रवेशवानो हुकम कर्यो छे। जुओ पश्चिमी वस्त्रोनी मंदिरों में नो एंट्री पर अविशेष अहेवाल। મંદિરના એક હુકમથી ભક્તો વચ્ચે વિવાદ, ટૂંકા કે ફાટેલા વસ્ત્રો પહેરનાર ભક્તોના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ। શિમલાના જૈન મંદિરના સંચાલકોએ વસ્ત્રો અંગે જાહેર કર્યો હુકમ। આધુનિક યુગમાં લોકો ફરીથી પોતાના ધર્મ પ્રત્યે આકર્ષિત થઈ રહ્યા છે। વેસ્ટર્ન કલ્ચરને કારણે હાલ લોકો પોતાની ગરિમાને ભૂલી ગયા છે। વડીલોના સન્માનથી લઈ લોકોની બોલચાલની ભાષા અને પહેરવેશમાં ઘણું પરિવર્તન આવ્યું છે। કોઈ ધર્મને નષ્ટ કરવા માટે તેની સંસ્કૃતિ પર પ્રહાર કરો એટલે તે ધર્મ સંપૂર્ણપણે નષ્ટ થઈ જશે, જે અંગ્રેજોએ આપણા ધર્મ સાથે કર્યું છે। અંગ્રેજો તો ભારતમાંથી જતા રહ્યા, પરંતુ તેમનું વેસ્ટર્ન કલ્ચર આજે આપણી સંસ્કૃતિ પર ભારે પડી રહ્યું છે। જેને ધ્યાને રાખી શિમલામાં આવેલા એક જૈન મંદિરના સંચાલકોએ ભક્તોને ટૂંકા કે ફાટેલા વસ્ત્રો પહેરીને મંદિરમાં પ્રવેશ ન કરવાનો હુકમ કર્યો છે। સાંભળીએ શું કહે છે મંદિરના પૂજારી। मंदिर में पूरे ही वस्त्र पहन के जो भी बाहर से लोग आए वो पूरे ही वस्त्र पहन के आए, हाफ कपड़े में मंदिर में दर्शन करने की सब लोगों के लिए दिक्कत होती है। जैसे हाफ पैंट है, हाफ कपड़े हैं, फ्रॉक है, कटे फटे जीन्स, इनके लिए सबके लिए बैन किया जा रहा है। जितने भी हमारे अपने हिंदुत्व के जितने भी मंदिर हैं, इनका सब मंदिरों का धीरे धीरे अतिशय कम होता जा रहा है। आदमी धर्म से दूर ऑटोमेटिक इसी का ये मुख्य कारण है। और इसमें सारे ही देश के बच्चे इस माहौल में बिगड़ते हैं। जो एक मर्यादा वाले वस्त्र हों, जैसे महिलाओं के लिए साड़ी है, बच्चियां सलवार सूट में हैं, या पैंट शर्ट भी पहने तो ऐसे पहने कि ज्यादा ऑड ना दिखे। हाफ और हम लोग जैसे जेंट्स हैं, कुर्ता पायजामा या पैंट शर्ट पहन के मंदिर आए। अब क्या है, कोई बरमूडे में ही मंदिर चले आते हैं। बच्चियां आजकल की बड़ी बड़ी महिलाएं भी हाफ पैंट पहन के, छोटे छोटे वस्त्र पहन के मंदिरों में आ जाती हैं। तो इससे क्या है, एक तो मंदिरों की धर्म क्षेत्रों की मर्यादा भंग होती है, और दूसरा जिस आस्था से अपन मंदिर आते हैं वो आस्था भी अपनी पूर्ण नहीं हो पाती है। तो बीजी तरफ हिंदू महासभाना अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी महाराज पण जैन मंदिरना आवट हुकमना समर्थनमां आव्या। तेमणे कह्युं के सनातन धर्मने बचाववा आ प्रकारना निर्णय खूब जरूरी छे। हर मंदिर में जाने का तो एक ड्रेस कोड होना ही चाहिए। जब हर जगह है ड्रेस कोड होता है तो मंदिर या धर्म स्थल पे कहीं भी मेरा मानना है कि मर्यादित होकर के ही जाना चाहिए। अब कोई क्लब में जाता है तो क्लब में जाने का भी ड्रेस कोड होता है, तो इसलिए कहीं भी शादी ब्याह में जाता है उसका भी एक अपना ड्रेस होता है। सज सवर के लोग जाते हैं तो उसी प्रकार से जब मंदिर जाते हैं तो मर्यादित भेष भाषा होनी चाहिए, जरूरी है। हिमाचल प्रदेश ना शिमला स्थित जैन मंदिर में हवे टूंका वस्त्रों पहेरवा पर प्रतिबंध लगावी देवामां आव्यो छे। शिष्टाचार अने मर्यादा नुं पालन करवा माटे आ नियम बनाववामां आव्यो छे। શિમલામાં આવેલું આ જૈન મંદિર 100 વર્ષથી વધુ જૂનું અને લોકોમાં ખૂબ જ પ્રિય છે। દિગંબર જૈન સભા મંદિરની સંભાળ રાખે છે। હાલ મંદિર પ્રશાસન દ્વારા તાજેતરમાં ડ્રેસ કોડની રૂપરેખા આપતી એક નોટિસ લગાવવામાં આવે છે, જેમાં એક બોર્ડમાં લખવામાં આવ્યું છે કે તમામ મહિલા અને પુરૂષોએ શિષ્ટ વસ્ત્રો પહેરીને મંદિરમાં આવવું જોઈએ, જેમાં ટૂંકા વસ્ત્રો, હાફ પેન્ટ, બરમુડા, મિની સ્કર્ટ, નાઇટ સૂટ, ફાટેલા જીન્સ, ફ્રોક અને થ્રી ક્વાર્ટર જીન્સ વગેરે પહેરીને મંદિર પરિસરમાં પ્રવેશવાની મનાઈ ફરમાવવામાં આવી છે। આ વસ્ત્રો પહેરીને મંદિરમાં કોઈ પણ ભક્ત પ્રવેશી નહીં શકે, ત્યારે મંદિરના આ હુકમથી અનેક ભક્તોમાં ખુશી છે, તો અનેક ભક્તોએ આ હુકમનો વિરોધ દર્શાવ્યો છે। હર જગે કી, હર સ્થાન કી, હર એક જૈસે સંબંધો મેં મર્યાદા હોતી હે, એસી જગે કી એક મર્યાદા હોતી હે। ઓર જબ જગે કી હમ બાત કરતે હૈ तो एक पवित्रता एक शब्द है बहुत ही हमारे सनातनी में धर्म में, तो एक पवित्रता होती है हर जगह की। तो पवित्रता और उस मर्यादा का उल्लंघन हम वो क्या बोलते हैं, मन को छुपाने, एक अपना बचाव करने वाली बात है कि हमारे मन में तो आस्था है, श्रद्धा है, तो हमारे वो संस्कार उसको अलाउ नहीं करते।
हमें किसी को भी किसी के कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। और सबसे मेन बात तो अगर ऐसे मंदिरों में ही जज करने लग जाएंगे लोग कि हाँ बच्चे ऐसे कपड़े नहीं पहने हैं, वैसे कपड़े नहीं पहने हैं, तब तो फिर बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोग हमें जज करने लग जाएंगे। हमें ऐसे किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। और एक तरफ से वो कहते हैं कि हाँ वो लोग खुद साधु वगैरह को ऐसे उसमें रहते हैं, बिना कपड़ों के रहते हैं, और फिर लड़कियों के लिए ये रिस्ट्रिक्शंस लगाना कि हाँ आप बिना ऐसे मिनी स्कर्ट्स में नहीं जा सकते, तो ये बहुत गलत बात है। हाल मंदिरना निर्णय बाद समग्र जिल्लामां वाद विवादनी शुरुआत थई छे, त्यारे मंदिर संचालको आ निर्णयने सनातननी परंपरा बतावी रह्या छे। त्यारे वस्त्रो पर प्रतिबंध लगावनार आ जैन मंदिर एकलू नथी, अनेक मंदिर छे ज्यां वेस्टर्न वस्त्रो पर प्रतिबंध लगावामां आव्या छे। जेना पर एक नजर करिए तो कया कया मंदिर में ड्रेस कोड लागू छे। हरिद्वार मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, मथुरा ना राधा दामोदर मंदिर, धनटोली स्थित गोपाल कृष्ण मंदिर, कोहलीबार विस्तार नु बृहस्पति मंदिर, हिल टॉप मा स्थित दुर्गा मंदिर, वेलोरीना संकट मोचन पंचमुखी हनुमान मंदिर में पण शॉर्ट पेंट और स्कर्ट पहरीने जनाराने नो एंट्री फरमावामां आवे छे। एटले जो तमे पण आ मंदिरे दर्शन करवा जाओ तो चेती जजो, नहीं तो वगर